सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें बता दूं बच्चों कि ये ब्रह्मास्त्र की जेई सीरीज़ है बच्चों, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज क्लास 11th स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक है दैट इज़ बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें हम लोग सेट के ऊपर आज क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन सर्ड्स के ऊपर करेंगे, कुछ क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स के ऊपर करेंगे, यानी कि जो भी आपने पहले छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेट नहीं पढ़ा होगा, तो उनके लिए वो टॉपिक नया हो सकता है। अच्छा, इसकी थ्योरी कहाँ से करें? इसकी थ्योरी आप इजी मैथ्स चैनल में ही आप कर सकते हैं, क्लास 11th में, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स करके भी एक है और सेट थ्योरी करके है, बेसिक मैथमेटिक्स एंड इनइक्वालिटीज़ करके कोर्स है, ठीक है। और बच्चों, ड्रॉपर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये बात बता दूं कि देखिए, आपको एक तो क्लास 11th भी करना है और 12th भी करना है। तो क्लास 11th में जितना होमवर्क डे वन में रहता है आपको, वो तो करना ही है। साथ में आपको क्लास 12th का फंक्शन भी जो चल रहा है उसको भी डेली डेली करना। भाई, आपको तो एक साल में सब कुछ कवर करना है ना। 11th के बच्चों के पास तो काफ़ी टाइम है, तो उनका होमवर्क कम रहेगा, ठीक है। लेकिन आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो आपको इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको 11th की तरह थोड़ी ना पढ़ना पड़ेगा, आपको तो पहले से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप स्किप कर करके चीज़ें पढ़ सकते हो कि टॉपिक वाइज ये मुझे आता है तो आई कैन स्किप दैट पार्ट, है ना। लेकिन 11th वाले तो नहीं कर सकते, इसलिए उनका होमवर्क कम रहता है। तो कितना कम रहता है, देखिए, क्लास 11th के बच्चे जो है मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चंस एवरेज हम लोग लेकर चल रहे हैं कि 20 क्वेश्चंस डेली करेंगे, और ड्रॉपर्स को 40 क्वेश्चंस डेली बच्चों करना है। तो ये चल रहा है बच्चों, तो आप जो है ज्वाइन करें इन कोर्स को। दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑन यूट्यूब, ठीक है। और आप अगर हमारे सेंटर पे आते हैं तो आपको पूरा पढ़ाया भी जाएगा, और साथ में फिज़िक्स केमिस्ट्री, जैसे मैथ्स यहाँ पर चल रहा है उसी तरीके से फिज़िक्स केमिस्ट्री, एंड ये आप समझ लीजिए कि अगर आप इस तरीके से कंसिस्टेंटली होमवर्क करते हैं बच्चों, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की, ठीक है। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते बच्चों। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज O1, ठीक है। स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब कि एक ही ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ ए एंड बी एनी टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि आपको थ्योरी आती है, मैंने पहले ही बताया मास्टरिंग सेट थ्योरी फॉर IIT JEE नाम का कोर्स है अपने इजी मैथ्स चैनल पर, तो वहाँ प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, ठीक है, देन ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये देखिए, ये डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये जो पहला क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन डी मॉर्गन्स लॉ। तो वो क्या बोलता है कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी डैश है, तो हमें क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट करना होगा, और इंटरसेक्शन को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, यूनियन से और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि बी पार्ट है। तो यहाँ से आपका आंसर जो है 1B करेक्ट होता है। तो ये डी मॉर्गन्स है, डी मॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ाया आपको बच्चों, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इन द यूनिवर्सल सेट देन ए माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना लेते हो बच्चों। ये यूनिवर्सल सेट बना लिया, ये हम लोगों ने सेट ए बना लिया, ये सेट बी बना लिया। तो ए माइनस बी जो है वो ये वाला पोर्शन हो गया। अगर ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी इज दिस वन, ये जो रेड कलर का हम लोग ऐसे मार्क कर रहे हैं बच्चों। अब ये क्या है, देखिए ये किसके बराबर है, आप यहाँ ध्यान से देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी जिसमें नहीं है वो सारा पार्ट बी को छोड़ के, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, जैसे मैं बनाऊं अगर, तो ये मेरे पास ए सेट है, फिर ये दूसरा बी है ना, ये ए। तो जब कोई कहता है कि बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ आपको, तो यानी कि बी को छोड़ के सब, ए के अंदर वाला भी पोर्शन और जितना बी है उसको छोड़कर सारा जो है बी कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसमें ए वाला भी पोर्शन आ गया, ठीक है, जो बी में नहीं है। तो ये सारा कुछ आया, लेकिन अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, अब ए को ग्रीन से कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ये कर दिया।
अब जहां पर ब्लू और ग्रीन दोनों है वो पोर्शन हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो उसको मैं रेड से, तो देखिए वही आया, वही आया, ये वाला यही सेम आया आपके पास टेन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टू का ए। तो ठीक है भाई, समझ गए आप। अब यहां पर कह रहे हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है या फिर प्रॉपर सबसेट है, यानी पूरा बी के बराबर भी हो सकता, यानी ऐसे बी बड़ा है और ये ए है। अब ये ए है और ये वाला बी है, ए छोटा है या फिर बराबर है। अब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करोगे तो छोटे वाले के बराबर ही आएगा, दैट इज ए, तो इसलिए आपका थ्री का ऑप्शन है। तो देखो बस वेन डायग्राम बनाने से कितना आसान हो जाता है, आपको टर्मिनोलॉजी बस समझनी। तो देखिए क्लास 11 के क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं, तो आप देख रहे हैं कि कितने आसान है बच्चों, है ना, क्योंकि एक्सरसाइज वन जो होती है वो बेसिक, जैसे स्कूल में आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिस तरीके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी को आप ए यूनियन करेंगे, तो चलिए भाई पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बनाया बी बनाया, तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया। अब इसका आप यूनियन कर रहे हैं ए के साथ, तो ए के साथ यूनियन इसका करेंगे तो पूरा ए ही आएगा, तो इसलिए फोर का ए ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बढ़ते हैं, समझ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिए थ्री जो है यहाँ पर जब ऐसे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगे, जब कर्ली ब्रैकेट किसी में लगता है तो वो सेट होता है, और सेट फिर सबसेट या प्रॉपर सेट ऐसे बच्चों होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे एलिमेंट इस तरीके से लिखे जाते हैं, तो एलिमेंट के साथ ये एप्साइलम साइन होता है कि बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं हम लोग सबसेट। तो सबसेट तो सेट होता है, तो थ्री यहाँ पे एलिमेंट है लेकिन यहाँ पे सबसेट वाला बच्चों साइन यूज है, तो ये गलत हो गया है। ये देखिए ये हमारा सेट है 1 3 5, और थ्री इसका एलिमेंट है, बिल्कुल सही है। देखिए थ्री इसका एलिमेंट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब देख लेते हैं बाकी गलत क्यों है, ये सबसेट है क्योंकि ये आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, तो ये सबसेट है, तो ये आप बिलोंग्स टू नहीं यहाँ पे यूज़ कर सकते, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है डी के साथ भी, कि आपने यूज़ तो किया है बिलोंग्स टू लेकिन है ये सेट, तो सेट बिलोंग्स टू नहीं होता है दूसरे सेट का, सेट सबसेट होता है दूसरे सेट का, तो इसलिए फिफ्थ ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट, तो इसमें से नल सेट कौन है। तो देखिए नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे ए वाले को, तो देखिए भाई वन हम लोगों ने यहाँ पे रखा, तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि एक्स लेस देन वन, यानी इधर, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन वन, तो दोनों एंड लगा रखा है यानी कि कॉमन, तो ऑब्वियसली यहाँ कोई कॉमन है नहीं, तो यही नल सेट है बच्चों, दिस इज नल सेट, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आया, ऐसे खाली है, खाली, ठीक है, ये खाली है, ये नल सेट होता भाई। अब बी कह रहे हैं कि एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री, ये बी है, तो देखिए भाई एक्स जीरो आ गया, तो एक एलिमेंट तो है ही है ना इसके अंदर एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये कहाँ नल सेट है। अब देखिए ये नल सेट, नल सेट फाई से लिखा जाता है, फाई से, और उसका सिंबल होता है ऐसा, ठीक है। तो ये सी एक सेट है जिसका जिसका मेंबर नल सेट है, ठीक है, इसलिए ये भी सही नहीं है, आपको तो नल सेट लिखना था, नल सेट यानी कि फाई केवल लिखा होता तो करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, तो इक्वल का साइन है, और एक्स लेस देन, तो ये जो वन है ना ये कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर भी एक एलिमेंट है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो वो नल सेट होता है, इसलिए बी सी डी ऑप्शन गलत हैं और ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप कि ये सब सेट के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो। ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ए और बी डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है भाई, बोलिए डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं डिसजॉइंट,
अलग अलग हैं, आर डिसज्वाइंट। तो यहां पे देखिए ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट है, और डिसज्वाइंट का मतलब होता है ये डिसज्वाइंट है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं है डिसज्वाइंट, नहीं है डिसज्वाइंट मतलब ऐसा है, नहीं है डिसज्वाइंट मतलब कैसा है, ऐसा है। तो अगर ये नहीं है डिसज्वाइंट तो भाई एक तो देखिए इसके अंदर ये ए, ये वाला पोर्शन वन बोल देते हैं हम लोग, और जो कॉमन वाला पोर्शन है वो टू बोल देते हैं, और ये थ्री बोल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग एन ए यूनियन बी जब लिखने जाते हैं तो हमको पहला भी पोर्शन चाहिए, दूसरा भी पोर्शन चाहिए, और तीसरा पोर्शन चाहिए, ठीक है। अब पहला पोर्शन कैसे लिखें, तो पहला और दूसरा मिला के हम लोग ए लिख सकते हैं, ठीक है। पहला और दूसरा मिला के ए लिख सकते हैं, यानी इतना लिख लिया। अब तीसरा अकेले नहीं लिख सकते क्योंकि बी के टर्म्स में लिखेंगे। तो हुआ क्या कि आप देखिए हमने इधर अभी तक क्या लिख दिया, वन लिख दिया, टू लिख दिया, फिर टू लिख दिया और थ्री लिख दिया। देखिए बी के अंदर टू और थ्री दोनों हैं, ए के अंदर वन और टू दोनों हैं। तो ये जो टू है ये दो बार आ गया, जबकि आना कितने बार चाहिए था, एक बार, इसलिए माइनस करेंगे टू वाले पोर्शन को। तो टू वाला पोर्शन है क्या, एन टाइम्स ए इंटरसेक्शन, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो डिसजॉइंट सेट होते हैं, ठीक है। अगर जॉइंट नहीं होते तो फिर ए ऑप्शन सही हो जाता, और ये डिसजॉइंट नहीं है, है ना, जॉइंट है मतलब, तो इसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी को करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग होंगे तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। अब ये भी काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है, देखिए रूट में वैल्यूज़ हैं तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये भी आंसर पॉजिटिव, ये भी आंसर पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है तो ये गलत हो गया, माइनस तो नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे करते हैं, तो देखिए इसके वैल्यू को एक्स मान लिया हम लोगों ने, तो ये हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं अगर हमें, तो ये सिक्स प्लस ऐसे कुछ अपने को दिख रहा है। अब देखिए यहाँ से भी सेम ही टाइप की चीज़ दिख रही है, क्योंकि इनफाइनाइट को जा रहा है तो ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ सिक्स प्लस एक्स, तो ये सारा भी वैसे ही था, तो इसको हम लोगों ने x बोल दिया। अब स्क्वायर कर लें हम लोग, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ फैक्टराइज करेंगे तो एक तरफ तो एक्स माइनस थ्री आएगा और दूसरी तरफ एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो आएगा। अब आइधर एक्स इज इक्वल टू थ्री और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, लेकिन आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, रूट के अंदर है सब कुछ, है ना। तो जैसे स्क्वायर रूट है तो कोई भी जो है स्क्वायर रूट है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, तो इसलिए थ्री आंसर होगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नाइन अब देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू है एट माइनस रूट ऑफ सिक्सटी, और फिर यहाँ पे रूट एक्स टू बाई रूट एक्स है, तो अब थोड़ा सर्ड्स के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो आप देखिए कि इसको पहले आप इस ये जो रूट सिक्सटी इसको ऐसे तोड़ लीजिए, तो फिफ्टीन इंटू फोर क्या हो गया, फिफ्टीन इंटू फोर, फोर तो बाहर आ गया, और रूट फाइव और रूट थ्री ऐसे आ गया, तो ऐसे लिख लिया। अब एट क्या आप इनके स्क्वायर्स की हेल्प से लिख सकते हो, ऑब्वियसली वी कैन राइट दैट। तो रूट फाइव का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, रूट थ्री का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, माइनस टू टाइम्स रूट फाइव इंटू रूट थ्री। तो एक्स की वैल्यू जो है दैट इज़ रूट फाइव माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग जब रूट एक्स लेंगे तो अपने को पॉजिटिव लेना है, तो रूट फाइव की वैल्यू रूट थ्री से बड़ी होती है, तो रूट एक्स इज़ नथिंग बट रूट फाइव माइनस रूट थ्री। अच्छा अब देखिए यहाँ पे रूट एक्स है तो आ गया है, अब यहाँ पे वन बाई रूट एक्स क्या होगा, तो इसको वन अपॉन कर लीजिए आप, तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें, सो दिस इज़ लाइक रूट फाइव प्लस रूट थ्री,
से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आएगा हमारे पास क्या, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सो दिस इज रूट फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन फाइव माइनस थ्री इज टू, और ये क्या था हमारे पास वन बाई रूट एक्स, तो इसको टू को भेज दें हम लोग, तो टू बाई रूट एक्स इज इक्वल टू रूट फाइव प्लस रूट थ्री। अब देखिए रूट एक्स भी था हमारे पास, तो रूट एक्स प्लस टू बाई रूट एक्स जब करेंगे तो ये देखिए रूट फाइव माइनस रूट थ्री प्लस रूट फाइव प्लस रूट थ्री, तो वो टू टाइम्स रूट फाइव हो जाएगा, क्योंकि रूट थ्री तो कैंसिल हो जाएगा ऐड करने से, और फिर यहाँ पे हाफ है तो हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका आंसर रूट फाइव आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन है। तो समझ में आ रहा है आपको? तो सिंपल यहाँ पे मेन जो फंडा है बच्चों जो आपको सीखना है, दैट इज़ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आप हमेशा मॉड एक्स लिखते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि आप रूट थ्री माइनस रूट फाइव का भी स्क्वायर लिख दें, ठीक है। तो रूट एक्स लिखते वक्त आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि रूट वाली क्वांटिटीज़ कैसी होती मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव होती हैं, इसलिए रूट फाइव माइनस रूट थ्री। तो नाइन क्वेश्चंस कर चुके हम, अब टेंथ क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने नाइन्थ में करे होंगे, आर डी आर एस अग्रवाल वगैरह बुक में आपने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन। तो ये कर लेते हैं, रेशनलाइज का क्वेश्चन होता है बच्चों ये, तो फोर प्लस थ्री रूट फाइव अपॉन फोर माइनस थ्री रूट फाइव, और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर प्लस थ्री रूट फाइव ऊपर नीचे फोर प्लस थ्री रूट फाइव से, ठीक है। तो ये हो जाएगा सोलह माइनस नौ इंटू पाँच, सोलह माइनस नौ इंटू पाँच पैंतालीस, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा आपका सोलह प्लस नौ इंटू पाँच पैंतालीस प्लस चौबीस रूट पाँच, ठीक है, हो गया ये। अब ये कितना हो गया, 16 और 45, 61, 61 माइनस 61 क्योंकि ये 29 माइनस 29 था, और ये माइनस 24 रूट फाइव अपॉन 29। अब देखिए आपको ए से कंपेयर करना है, तो ए की वैल्यू माइनस 61 बाई 29, ये दोनों तो गलत हो गए, और बी भी नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज़ माइनस 24 अपॉन 29, यहाँ तो पॉजिटिव लिखा है तो ये गलत हो गया, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब देखिए 20 में से, और सिंपल होगा अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से सीख रखी। तो स्क्वायर रूट, अभी हम लोगों ने एक स्क्वायर रूट निकाला था, रूट एक्स वन बाई रूट एक्स, तो सिमिलर टाइप की चीज़ें, तो क्या करना है आपको पता ही है, इसको एक्स मान लें अगर हम लोग, तो पहले हम लोगों ने क्या बताया था, इसको तोड़ लो आप, तो ये रूट थ्री इंटू रूट टू हो गया। तो आपको देखना है कि जो दो चीज़ें क्या इनके स्क्वायर से बना है, तो ऑब्वियसली लग तो ऐसे ही रहा है, पाँच जो है रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, टू टाइम्स टू रूट टू इंटू रूट थ्री इज एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। तो जब रूट एक्स लेंगे हम लोग, सो दैट विल बी रूट थ्री प्लस रूट टू, जो कि डी ऑप्शन है। देख लिया आपने कितने आसानी के साथ हो गया, रूट एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री प्लस रूट टू। अब ये है, इसमें हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा बच्चों। ट्वेल्थ क्वेश्चन, फोर अपॉन टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट सेवन, तो किससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट सेवन से मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट सेवन से मल्टीप्लाई कर लें, तो नीचे क्या होगा, देखिए टू प्लस, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस सेवन, ये फोर प्लस थ्री, और देखिए फोर रूट थ्री माइनस सेवन, अब देखिए सेवन और ये सेवन कैंसिल हो गए, तो ये थोड़ा सा ईजी पड़ गया हम लोगों को। तो फोर अपॉन फोर रूट थ्री, देखिए नीचे आ रहा है फोर अपॉन फोर रूट थ्री, तो वो कैंसिल हो गए और हमारे पास है रूट थ्री, और ऊपर देखिए कुछ वैसे ही हो गया, रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट सी जैसा, तो उसको रूट में हम लोग लिखेंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना क्योंकि अब लगभग क्वेश्चन पूरा होने वाला है। तो इसको जब आप लिखेंगे तो ये आएगा फोर बाई रूट थ्री, इसको अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाई रूट थ्री, और इसको अंदर भेजेंगे रूट सेवन बाई रूट थ्री ऐसे।
तो देखिए भाई, सी तो 7/3 है रूट के अंदर, सी में कोई चिंता नहीं है। बी और डी ऑप्शन गलत हो चुके हैं आप। अब बी 1 है, 3/3 इज व्हाट 1, तो बी बिल्कुल सही है, 1 है। और ए बोल रहा है 2/3, तो गलत है। तो आप इसको आगे लिख लो, क्योंकि भाई कम्यूटेटिव तो होता ही एडिशन, तो √1 + √4/3 -√7/3। तो रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन था बच्चों, ए 1, बी 4/3 और सी जो है वो 7/3 है। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4/3, सी इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, अब चलिए हम लोग 13th क्वेश्चन कर रहे हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 1/a - b ((1/a - c) ((x^(1/b - c) ((1/b - a) (x^(1/c - a) ((1/c - b)। ठीक है, अब एक चीज हम लोग रखेंगे, मतलब ऐसे लिखना है अपने को, (a - b, b - c) और (c - a) इस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे चीजों को। जैसे अब देखिए, (a - b) तो है, लेकिन यहाँ पर (c - a) कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब ये सब x की पावर है, तो इनको ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, (b - c) तो सही सही लिखा है ना, लेकिन (b - a) क्या होगा, (a - b) होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे ये। ठीक है, अब यहाँ पे (c - a) तो देखिए अपने फॉर्मेट में है, लेकिन ये (c - b) लिखा, जबकि हम चाहते थे कि ये कैसा हो जाए, (b - c)। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम लेंगे बच्चों, पावर अब हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये माइनस भी सारे में माइनस कॉमन ले सकते हो आप। यहाँ (a - b) है, (c - a), लेकिन (b - c) नहीं, तो ऊपर (b - c) हो जाए। यहाँ पर आप देखिए (b - c) है, (a - b) है, पर यहाँ पर (c - a) नहीं है, तो (c - a) हो गया। यहाँ पे आपके पास (b - c) है, (c - a), पर (a - b) नहीं है, तो यहाँ पे (a - b) हो जाएगा। और नीचे वो तीनों का प्रोडक्ट, और ये सब एक्स की पावर में चल रहा है। ठीक है, (a - b, b - c, c - a) तो एक प्रॉपर तरीके से करने से आपको आसानी में होती है बच्चों। तो दिस इज़ प्लस है, दिस इज माइनस है, यहाँ पे प्लस बी है और यहाँ पे भी है माइनस बी, यहाँ प्लस सी है, यहाँ पे माइनस सी है, तो वी हैव एक्स की पावर 0 विच इज़ गिविंग अस 1। तो ये आपका 13 का ये आंसर है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं। क्लास 9th में आपको एक्सपोनेंट्स में इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए, 1³, 2³, 3³, 4³, तो समेशन n³ बच्चों आपके लिए नया हो सकता है ये। n इज इक्वल टू 1 से लेकर n, यानी कि क्यूब, नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम का एक फॉर्मूला होता है, जितने n का मतलब है यहाँ पर कहाँ तक का क्यूब लेना है। ठीक है, तो (n²)(n+1) का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ देखिए कहाँ तक का क्यूब लेना था, 4, तो n क्या है 4, तो 4 रखिए तो 16, 4 + 1 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे नीचे 4, तो 4 4 = 16, सो दिस इज कमिंग एज 100। तो अब देखिए, यहाँ पे 100 को हम लोग लिखेंगे 10 का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे -3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, एंड दिस इज 10^-3, तो ये 14 का ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हो जो इसी के साथ। अब देखिए, यहाँ पर 7^-1/2 (5^)， और फिर ऐसे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7^-1/2 और फिर 2 mn होता है। इसी तरह 5^2 × 2 और डिवाइड में ये दिस इज 5^2 हो जाएगा (3) और पूरे का हाफ, तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ये 7^-1 हुआ, ये 5^4 - 3, तो दिस इज़ लाइक 1/7, और ये 5 है ना, 5^4 - 3 1 हो गया, 5/7, तो ए ऑप्शन यहाँ पर 15 का हम लोगों का करेक्ट हो गया। ठीक है, तो सही है भाई, तो समझ में आ रहा है आपको, सर्ट्स एक्सपोनेंट्स वगैरह कर रहे हैं, अब ये भी बहुत आसान है। अब देखिए, 2^3 तो 8 हो जाएगा,
एट की पावर सिक्स हो जाएगा, ई की पावर माइनस थ्री हो जाएगा, पावर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, डी की पावर माइनस सिक्स, देखिए डी तो ख़त्म ही हो गया, और ई की पावर माइनस टू यहीं ऊपर ई स्क्वायर बन के पहुँच जाएगा, ठीक है, ई स्क्वायर। अब देखिए डी की पावर माइनस सिक्स और डी की पावर सिक्स कैंसिल, सो दिस इज लाइक एट टाइम्स ई की पावर माइनस थ्री प्लस वन, दैट इज एट टाइम्स ई की पावर माइनस वन विच इज सी, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब यहाँ देखते हैं 17th क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक तो x की पावर y लिखा है और यहाँ पे y की पावर x लिखा है, दोनों पॉजिटिव हैं ये भी दिया है, और x की वैल्यू 2 टाइम्स y है। अब देखिए एक अपने आप ही में गलत है कि y 1 है और x को दुगना होना था, ये भी क्या है मतलब कैसे ऑप्शन रखे गए हैं, तो y 2 तो x शुड बी 4, तो b और c तो गलत हैं। अब ये हो सकता है कि सही हो जाए और ये नन ऑफ दीज होने के कारण वी आर नॉट श्योर कि ये होगा, लेकिन कैसे करेंगे, तो देखिए एक्स को 2y लिख दीजिए आप, तो 2y की पावर y और यहाँ पर y और x जो है 2y ऐसे, तो समझ में आ रहा है आपको, तो 2 की पावर y और ये y की पावर y, ये y की पावर 2y, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, y की पावर y इंटू y की पावर y, है ना, y की पावर y प्लस y 2y, अब ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ रहा है 2 की पावर y इज इक्वल टू y की पावर y, अब पावर पावर सेम है पॉजिटिव, तो इनके बेसिस को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि y की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू ट्वाइस ऑफ y है, तो x ऑब्वियसली नाउ 4 हो गया, तो इस तरीके से 17 का ए ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये देखते हैं हम लोग, ये तो बोला जाएगा a की पावर mn और ये बोला जाएगा a की पावर m की पावर n, ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हैं तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं m इंटू n इज इक्वल टू m की पावर n, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब आप n को अलग लिख लीजिए और m को लिख लीजिए आप n अपॉन m, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू m की पावर n माइनस वन एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से, ठीक है, n इज इक्वल टू m। अब हमें m एक्सप्रेस m इन टर्म्स ऑफ, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की पावर 1 अपॉन n माइनस वन, तो ये a ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि x प्लस वन बाई एक्स अगर a है तो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होता है, तो कुछ नहीं है, दिस इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री टाइम्स ए बी इंटू ए प्लस बी, तो भाई x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, तो ये होगा x प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री टाइम्स x इंटू वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो x प्लस वन बाई एक्स a है, सो दिस इज a क्यूब, x x कैंसिल हो जाएगा माइनस थ्री, और x प्लस वन बाई एक्स इज a, सो दिस इज a क्यूब माइनस थ्री, तो b ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है बच्चों। चलिए 20th में चलते हैं, वी विल फाइंड आउट कि x की वैल्यू क्या है, देखिए 4 है, ये क्या है 2x प्लस हाफ है, तो x निकालना है, तो ये 2 की पावर 2 बाई 3 हो गया इंटू 2x प्लस हाफ हो गया है, और इधर 2 की पावर माइनस 5 है ना, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 5। अब इस 2 बाई 3 को पूरा भेज दें हम लोग अगर, तो 2 बाई 3 इंटू 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, एंड दिस इज लाइक माइनस 5 के बराबर, ठीक है, दिस इज लाइक माइनस 5 के बराबर, तो ये 4x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 15 हो गया, तो 4x इज व्हाट माइनस 16, तो x की वैल्यू माइनस 4, तो x की वैल्यू आपकी माइनस 4 होगी, ठीक है। अब चाहो तो आप रख के भी देख लो यहाँ पर चेक करने के लिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कर लिए। तो यू मस्ट हैव सीन कि बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा होमवर्क नहीं था आपके लिए, पहला दिन है बच्चों, आराम से आपसे ये सब क्वेश्चन सब लग जाने चाहिए। कहने का मतलब है जितना भी होमवर्क है पहले आप अपने आप करने की कोशिश करें, ठीक है, और फिर हम लोग जो है आगे बच्चों करेंगे, कल डे टू करेंगे। और जो भी बच्चे इस समय जो है ड्रॉपर्स हैं वो क्लास 12 का होमवर्क देखना मत भूलें, क्योंकि आपको 11th भी करना है और 12th भी करना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।